आज बजट पेश करेंगे विजय चौधरी। सरकार के हस्तक शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च का अनुमान। बिहार विधानसभा में 28 फरवरी को बजट पेश करेंगे विजय चौधरी। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि चालू वित्त वर्ष के बजट की तरह अगले बजट पर कोरोना महामारी की छाया रहेगी। कोरोना मद में व्यय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कई अन्य मदों में अपेक्षा के अनुरूप आमदनी नहीं होने से सरकार के हाथ सख्त रहेंगे। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करेंगे। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश सरकार हर साल बजट का आकार बढ़ाती रही है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर अगला बजट 2.5 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अगले बजट में सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार के अलावा विभिन्न वर्गों की कल्याण योजनाओं के आसपास रहने की उम्मीद है। चालू बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, यह बढ़ सकता है। शिक्षा बजट में भी चालू वित्त वर्ष की तुलना में व्यय बढ़ने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी स्थापना मद में हो सकती है क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। चालू वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यह कुल बजट का 16.5% था। ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना के निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष से चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू करने जा रही है। जाहिर है कि इसके लिए सरकार को कृषि बजट में पूर्व की तुलना में अधिक धनराशि का प्रावधान करना होगा। हर खेत तक सिंचाई का पानी, यह पहले से चल रही योजना है। जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में चल रही इस योजना के लिए भी अधिक धन की जरूरत है। नहीं मिलेगी जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि चालू वित्त वर्ष के बजट की तरह अगले बजट पर कोरोना महामारी की छाया रहेगी। कोरोना मद में व्यय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कई अन्य मदों में अपेक्षा के अनुरूप आमदनी नहीं होने से सरकार के हाथ सख्त रहेंगे।